हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आयुष मेडिकल कॉलेजों की काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि BAMS करियर बेस्ट है या BHMS करियर बेस्ट है, किस में क्या करियर है, स्कोप क्या है, उसमें कोर्स के बारे में नॉलेज, स्पेशलाइजेशन हम किसके स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, उसमें सैलरी कितनी होगी, काफ़ी सारे आपके मन में डाउट्स आएंगे होंगे। तो इस वीडियो में आपकी ये सारे के सारे डाउट्स जो है वो सॉल्व करने वाला हूँ, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखें बिना स्किप किए हुए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम बात करते हैं, BAMS का मतलब होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जबकि BHMS का मतलब होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। दोनों कोर्स 5.5 ईयर के होंगे, जिसमें 4.5 ईयर का आपका स्टडी और एग्जामिनेशन होगा, 1 ईयर की आपकी इंटर्नशिप होगी। इंटर्नशिप जो हुई वो पे स्केल में आपकी इंटर्नशिप होगी, आपको इंटर्नशिप के साथ साथ आपकी सैलरी भी मिलेगी। मैं आपको बात कर लेता हूँ अबाउट द कोर्स, तो BAMS एक जो है वो इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस की डिग्री है, जिसमें आपको पूरी आयुर्वेदिक मेडिसिन पढ़ाई जाएगी, जिसमें आप पीपल जो सीखें उनको आयुर्वेदिक मेडिसिन से आप करेंगे, आयुर्वेदिक थेरेपी आपको देना सिखाया जाएगा। लेकिन BHMS की बात करें तो होम्योपैथिक जो है वो आपको होम्योपैथिक डिग्री से सिखाया जाएगा, जिसमें आप जो एनवायरमेंटल सिम्टम्स होंगे, आपके जो फिजिकल एनवायरमेंटल सिम्टम्स होगा, जो फिजिकल है, मेंटल डिसीज़ है, मेथोलॉजी डिसीज़ है, जिसको आप होम्योपैथिक एज ए फिजिकली एक्सरसाइज उस टाइप से आप उसकी बीमारी को सॉल्व करें, मतलब ह्यूमन के ब्रेन और उससे रिलेटेड जो होती है उसको आप सॉल्व वैसे करें। हाँ, मेडिसिन आप दोनों में लिखेंगे, लेकिन एक होता है BAMS जिसमें आयुर्वेदिक थेरेपी, एक होता है BHMS जिसमें होम्योपैथिक थेरेपी आप यूज़ करेंगे। पॉपुलर टॉपिक्स की बात करें तो जैसे अगर आप कॉलेज में होंगे तो इसमें टॉपिक्स जो होते हैं हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन, टॉक्सिलॉजी, फार्मेलॉजी, आपको फार्मेसी दोनों में पढ़ाई जाएगी। यहाँ पे MBBS से डिफरेंस यही है कि MBBS में आपको फार्मेसी की पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ पे आपको फार्मेसी भी पढ़ाई जाएगी। तो दोनों में आप देख सकते हैं होम्योपैथिक, न्यूट्रिशनल थेरेपी, बॉडी हीलिंग थेरेपी, चाइनीज मेडिसिन, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर आप BHMS में देख पाएंगे। ये तो था आपकी स्टडी, वहाँ पे आपको क्या करनी है, फर्दर आपकी डिटेल्स क्या थी वहाँ पे। अब हम इसके आगे भी आपको और आप बताएंगे करियर क्या है, स्कोप क्या है, आपकी स्पेशलाइजेशन क्या होगी। स्पेशलाइजेशन की बात कर लेते हैं तो BAMS में स्पेशलाइजेशन के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, जैसे पदार्थ विज्ञान, शरीर क्रिया, शारीरिक रचना, स्वास्थ्य मित्र, अगनतंत्र, चाणक समित्र, हमारा ये सभी जो है बेसिकली संस्कृत टर्म है तो मुझे इतने आसानी से कहने नहीं आ रहे हैं, सॉरी, बट रोग एंड विकृति विज्ञान, चरक संहिता, रसशास्त्र, काय चिकित्सा, तो ये सारे आप इसमें आते हैं। लेकिन इसकी बात करें BHMS में तो होम्योपैथिक फार्मेसी, साइकाइट्री, पेडियाट्रिक्स, सेक्स स्पेशलाइजेस, स्किन स्पेशलाइजेशन, ये सब आपके इसमें आते हैं। BHMS में एक करियर स्कोप में ये भी कि जैसे स्किन स्पेशलाइजिस्ट है तो कई सारे जो आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं उनमें आपके यहाँ पे जॉब के चांसेस होते हैं। बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 12th पास होनी चाहिए, जिसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। BHMS में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, जबकि BAMS में बायो केमिस्ट्री फिजिक्स के ही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। BHMS में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैथ के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है उसके लिए पहले अलग अलग क्राइटेरिया होते थे, कॉलेज वाइज भी एडमिशन्स होते थे। अभी भी कई कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेज, जो अपना एडमिशन डायरेक्ट कराते हैं, लेकिन एक है क्वालिटेटिव एग्जामिनेशन की जिसकी हम बात करें आपके लिए, तो वो एग्ज़ामिनेशन है NEET। आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन NEET क्वालिफाइड होंगे, NEET की काउंसलिंग होगी, तभी आपको कॉलेज मिलेगा। बात करें फ़ीस की तो प्राइवेट कॉलेजों की यहाँ पर फ़ीस दी गई है, कई कॉलेजों की 5 लाख से 25 लाख तक फ़ीस हो जाती है, जबकि BHMS में 2 लाख से 7 लाख तक फ़ीस होती है। करियर स्कोप की बात करें तो आयुर्वेदा एक हाईली रिस्पेक्टेबल मेडिकल फील्ड में से एक आता है, इंडिया में भी, अदर कंट्रीज़ में भी, बिकॉज आयुर्वेदा को आज कोई हर कोई आज आयुर्वेदा पे अपना रहा है। लेकिन आयुर्वेदा करियर में आप डिफरेंट पाथ भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक है कि इंडिया में आयुर्वेदा की डिमांड अभी इतनी नहीं है,
जितनी डिमांड इस समय इंडिया में होम्योपैथिक की है वो क्यों है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। होम्योपैथिक बीइंग अ रेयर टाइप्स ऑफ द मेडिसिन जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं और ये पॉपुलर है इंडिया में। अगर इंडिया में कोई है जो BHMS ट्रीटमेंट ले रहा है तो वो बिकॉज BHMS जो होता है वहाँ का जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट होता है उससे एक सडन ट्रीटमेंट होता है, जल्दी आराम मिल जाता है। लेकिन आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट होता है उससे थोड़ा देर में आराम मिलता है। तो इंडिया में अभी आयुर्वेदा का स्कोप कम है जबकि BHMS का स्कोप ज़्यादा है। लेकिन आयुर्वेदा में आप आयुर्वेदिक डॉक्टर, थेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, जूनियर क्लिनिकल ट्रायल कोऑर्डिनेटर, लेक्चरर बन सकते हैं, जबकि BHMS में आप प्राइवेट क्लिनिक, हेल्थ कंसल्टेंट, साइंटिस्ट, फार्मासिस्ट, होम्योपैथिक डॉक्टर और थेरेपिस्ट बन सकते हैं। लेकिन BAMS में आपका एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा ये है कि BAMS में आप कुछ टाइम प्रैक्टिस के बाद आप जो एलोपैथी मेडिसिंस होती हैं जिसको हम कहते हैं इंग्लिश मेडिसिंस, वो अपने पेशेंट्स को प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। आपकी प्रैक्टिस पे वो डिपेंड होगा कि आप एलोपैथी मेडिसिंस आप जो लिख रहे हैं वो अपने पेशेंट को सेटिस्फाइड कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, तभी आपका वो चल पाएगा। अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो सैलरी जो है आपकी वो आयुर्वेदा में एक इनिशियल सैलरी 20,000 to 50,000 तक होती है। बिकॉज आयुर्वेदिक जो मेडिसिंस होती हैं वो थोड़ी नॉन अफोर्डेबल होती हैं, थोड़ी महंगी होती हैं, इसलिए इसमें जो होता है ऐसा मैं जो सैलरी बता रहा हूँ वो प्राइवेट सेक्टर में आपका खुद का बता रहा हूँ कि आप पर्सनली प्राइवेट सेक्टर में कितनी अर्न कर सकते हैं 20,000 to 50,000। बिकॉज इसमें जो मेडिसिंस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं जिसकी प्राइस, जिस वजह से इसमें मेडिसिंस जो होती हैं वो आप लोगों का जो जिस डॉक्टर की अर्निंग होती है जिसको मैं सीधा बोल सकता हूँ कमीशंस, तो वो आपकी कम होती है। लेकिन अगर आप उसमें पैकेज की बात करें एक BHMS डॉक्टर में, तो 40,000 to 60,000 पर मंथ उनको पैकेज मिल जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी कितनी अच्छी वहाँ पे कॉलेज से परसेंटाइल्स हुई, कितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस है, कितनी अच्छी आपको इंटर्नशिप में मार्क्स मिले, इसके बेसिस पे ये सब डिपेंड करता है। ये जो सब था ये मैंने कंपेरिजन किया, नीचे एक वेबसाइट की लिंक दी हुई है, वहाँ से और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और अपना बेस्ट करियर ऑप्शन चुन सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।